हे गाइस, तो कल का एक जो मैंने वीडियो डाला, कुछ क्वेश्चंस तुम लोग के आंसर करे तो तुम लोगों ने और ज़्यादा ही क्वेश्चन बना दिए, तो उसको भी मैं आंसर कर देती हूँ, बिकॉज फिर मुझे शायद टाइम नहीं होता है तो मैं जल्दी जल्दी वीडियोस नहीं डाल पाती हूँ। ओके, तो पहला ये वाला क्वेश्चन एक स्टार्ट करते हैं। आपने स्टेट गवर्नमेंट कंपनी में आर्टिकलशिप की है? यस, मैंने किया था वहाँ पर, पावर कॉर्पोरेशन में किया था। वहाँ काम कितना होता है? ओके, पहले तो स्टेट गवर्नमेंट कंपनी होती है तो आप जिस स्टेट में हो उस स्टेट की लैंग्वेज में वहाँ काम होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यूपी में काम किया है, तो उत्तर प्रदेश में जो लैंग्वेज है स्टेट की वो हिंदी है, तो काम वहाँ पे हिंदी में होता था। टाइपिंग, रिटन, स्पोकन, मिनट्स, प्रिपरेशन, बोर्ड रेजोल्यूशन, एवरीथिंग वॉज इन हिंदी। तो मुझे वो बहुत ही अजीब लगा, बिकॉज आई एम एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, तो मुझे हिंदी, मैं ऑब्वियसली बोलना लिखना पढ़ना वो सब आता है, लेकिन पढ़ाई हमारी पूरी इंग्लिश में होती है, तो काम वो सब हिंदी में मुझे, क्योंकि वो हिंदी जो होती है बहुत ज़्यादा प्योर होती है, बहुत ही अलग लीगल लैंग्वेज में होती है वो हिंदी, तो बहुत अलग सी लगती है, अजीब लगता है थोड़ा। तो मुझे ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना था, तो मैंने उस गवर्नमेंट कंपनी में सिर्फ एक मंथ ही किया। उसके बाद मैंने सोचा कि इट्स बेटर कि अब मैं कुछ कहीं और करूं, बिकॉज इंटरनली गवर्नमेंट कंपनी में कैसे काम होता है, चलो एक मंथ में रह के मैंने वो स्ट्रक्चर देख लिया काम कैसे होता है, और ऑब्वियसली बस लैंग्वेज ही अलग थी, बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही थी। तो एनीवे, मुझे उस टाइम पर जो बेटर लगा तो मैंने वो किया। तो वहाँ काम कितना होता है की बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी है, मैसिव, वो भी पावर कॉर्पोरेशन, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बर्डन, मीटिंग्स का बहुत ज़्यादा काम रहता है वहाँ पे, एंड डायरेक्टर्स के साथ वहाँ पे डिस्कशन करना होता है, बार बार एजेंडास चेंज होते रहते हैं, बार बार चीज़ें ऐड होती हैं, इंक्लूड होता है, तो फिर इट्स वेरी हेक्टिक तो है, बट हाँ सीखने के लिए अच्छा है, लेकिन अगर इंग्लिश में होता ना तो ज़्यादा बेटर रहता। हाँ एनीवे, यही है, और हेक्टिक रहता है क्या काम, जैसे क्वेश्चन में बोला कि यस, हाँ हेक्टिक होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट इट इज़ लाइक सीखने में काफ़ी मज़ा आएगा, बस वो है आपको अगर उस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं देन इट्स वेरी गुड फॉर यू। ओके, आपने जैसे स्टेट गवर्नमेंट कंपनी में आर्टिकलशिप की, वहाँ CS एक बड़ा ऑफिसर की तरह होते हैं क्या? ओ यस, बिकॉज गवर्नमेंट कंपनीज़ में जो कंपनी सेक्रेटरी जो हम सर थे हमारे, तो वो ही वॉज अ कंपनी सेक्रेटरी ऑब्वियसली, एंड आई थिंक उन्हें मोर देन 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस था, एंड उनकी सैलरी भी कुछ 1.5-2 लाख पर मंथ की थी, एंड उसके अलावा उन्हें रहने को घर मिला था। जस्ट लाइक एनी गवर्नमेंट सर्विस में अगर कोई सीनियर लेवल पे कोई ऑफिसर होता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं ना, तो सर को वो सब बेनिफिट्स थे, रहने के लिए घर मिला था, और आने जाने के लिए वही वाइट कलर की एम्बेसडर कार थी उनके लिए, सो वो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, एंड ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली भी ट्रीट किया जाता है, बिकॉज गवर्नमेंट में हो आप, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना एक गवर्नमेंट कंपनी में जितने भी हैं, दे आर एक्चुअली ऑल रिकमेंडेड बाय द गवर्नमेंट, एंड मोस्टली मैं जब वहाँ पर काम कर रही थी तो वहाँ सारे IAS ऑफिसर्स थे, IAS ऑफिसर्स थे, और वही लोग जो है पूरे कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट सब देख रहे थे, तो ऐसे लोगों के साथ भी डील करना मुश्किल है, बिकॉज जो IAS ऑफिसर्स होते हैं दे आर प्रीटी स्ट्रिक्ट, उन्हें एक पर्टिकुलर होता है कि एक पर्टिकुलर वे में उन्हें चीज़ें चाहिए होती हैं, काम करना होता चाहिए होता है, तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग हो सकती हैं, लेकिन आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, किसी गवर्नमेंट कंपनी में एक्सपीरियंस करना बहुत मज़ा आएगा, बिकॉज जब मैं रीजनल डायरेक्टर के ऑफिस में काम कर रही थी इट वॉज सो मच फन, एंड 6 months पता ही नहीं चला कैसे निकल गए, बिकॉज इतना मज़ा आता था मुझे वहाँ पे, काम इतना बढ़िया था, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी आप, सेंट्रल गवर्नमेंट को बेसिकली जिस चीज़ के लिए भी कंपनी एप्लीकेशंस फाइल करती है वो सारे एप्लीकेशंस आते थे हमें, वो भी पूरे सदर्न स्टेट के सारी कंपनीज के, बहुत काम बहुत ज़्यादा होता था लेकिन काफ़ी रिलैक्स लगता था कि फिक्स्ड वर्किंग आवर्स हैं आपके, आप मज़े में जाओ एंड आराम से बीच में चाय कॉफ़ी पियो, रिलैक्स करो, काम भी करते रहो, जो भी डायरेक्टर्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर जो भी होते हैं, जॉइंट डायरेक्टर, दे आर वेरी हेल्पफुल पीपल, तो काम करने में मज़ा भी आ रहा था मुझे वहाँ पे काफ़ी, बट 6 months का ही था, और उसके बाद फिर मुझे जॉब भी मिल गया, तो मैंने सोचा कि ठीक है अब पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे यहाँ, तो 20,000 में कब तक करूँगी, इट्स फाइन, 6 months के लिए एक्सपीरियंस चाहिए था, तो मैंने RD में कर लिया, उसके बाद अब जॉब में 60,000 मिल रहा है, चलो वो भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्टेट गवर्नमेंट कंपनी
कि सीएस की सैलरी अलाउंस कैसे होती है, ये तो मैंने आई थिंक इसको भी आंसर कर ही दिया है, ठीक है, बढ़िया ही होता है, लेकिन आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इतनी जल्दी लेगा नहीं एज अ सीएस। पहले आपको कम से कम पाँच भी नहीं, आई थिंक 7 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस जब हो जाएगा, वो भी ना लिस्टेड कंपनी यानी PSU, इन सब में अगर एक्सपीरियंस होगा ना तो आराम से गवर्नमेंट कंपनी वाले लेंगे। बिकॉज अगर आप एक्सपीरियंस ही ऐसी जगह से करके आओगे तो ऑब्वियसली आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी वो सब हैंडल कर लोगे, क्योंकि ये जो स्टेट गवर्नमेंट कंपनी में जहाँ मैंने किया था वहाँ पे क्या होता है, एक कंपनी सेक्रेटरी होता है जो जिसका नाम पे DIR 12 फाइल होता है, एंड ही इज़ डूइंग, मतलब उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनका नाम और मेम्बरशिप नंबर हर जगह लगता है। अब इनको सपोर्ट जो करता है, इनके अंडर जो एक सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट आता है, सेक्रेटरियल एंड लीगल, उसमें कम से कम 4-5 लोग होते हैं और वो सारे क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन उनकी पोस्ट को क्या कहा जाता है, उनकी पोस्ट को कहा जाता है असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी, ACS, ठीक है, उनकी पोस्ट को ACS कहा जाता है। ये ऐसे करके 5 लोग थे वहाँ पे जो असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी नाम था उनका, लेकिन देवर ऑल क्वालिफाइड, और उनके नीचे आई वॉज देयर, नीचे या इनके साथ बोल सकते, आई वॉज ऑल्सो सपोर्टिंग दैम एज अ कंपनी सेक्रेटरी ट्रेनी। ऐसे होती है इनकी हायरार्की पूरी, ठीक है। लेकिन जब मैं रीजनल डायरेक्टर के ऑफिस में थी तो उसकी हायरार्की जो थी वो ये होता है कि एक तो रीजनल डायरेक्टर एक आदमी होता है, ठीक है, हर रीजन का। इसके अंडर बहुत सारे अदर डायरेक्टर्स आते हैं, जैसे कि डेप्यूटी, जॉइंट असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर्स, करके 4-5 होते हैं जो इनको असिस्ट करते हैं। इनके अंडर जो होता है वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टाफ, JTA ST करके उनको बोलते हैं, ठीक है, ऐसे करके। अब इनके अंडर जो आते हैं वो होते हैं जैसे कि यंग प्रोफेशनल, जिसको बोलते हैं हम लोग CSES, हम लोग जो हैं यंग प्रोफेशनल बन के यहाँ जा सकते हैं, या हम लोग अपना CS कंप्लीट करने के बाद हम प्रोफेशनल अगर क्लियर हो गए तो यहाँ जाके एज असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरीज या ट्रेनीज यहाँ पे जाके रीजनल डायरेक्टर को ऐसे हेल्प कर सकते हैं, काम सीख सकते हैं, एंड इट्स रियली फन। सो दिस इज़ द हायरार्की वहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन। हाय, इफ़ यू डोंट माइंड, आई हैव वन क्वेश्चन। यू आर अ फ्रेशर CS एंड यू गॉट 8 LPA। एक्चुअली मुझे इसका क्वेश्चन ज़्यादा सही से समझ में नहीं आ रहा है। इफ़ यू डोंट माइंड, इसमें माइंड करने की क्या बात है, आई डोंट नो। आई एम अ फ्रेशर CS, ठीक है, मैंने 21 मंथ्स की ट्रेनिंग करी, ठीक है। उसके अलावा मैं एक्चुअली, इसके बाद मुझे जॉब मिल सकता था, लेकिन CLDP की वजह से थोड़ा लेट हो गया। मतलब CLDP के बैच साल में ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं आते हैं, ठीक है। तो आई वॉज जस्ट कि मेरे जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो आई वॉज वेटिंग कि CLDP भी फाइनली ऑनलाइन मैंने क्लियर कर ली थी, फिर मैं सोचा ऑफलाइन वाली भी क्लियर कर लूँ सो दैट मुझे ACS नंबर मिल जाए। ACS नंबर मिलते ही, उससे पहले मैं इंटरव्यूज तो दे रही थी, फिर मैंने सोचा कि जैसे ही मुझे मेंबरशिप नंबर मिल जाएगा मैं तुरंत जो है मतलब ज्वाइन कर लूँगी। बिकॉज कंपनीज को ये होता है कि सबसे पहली चीज़ कंपनी इंटरव्यू में यही पूछती है, डू यू हैव मेंबरशिप नंबर। तो मेंबरशिप नंबर वो तभी मिलता है ना जब ये CLDP और नाटक ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन CLDP ही नहीं हो पा रहा था मेरा बहुत टाइम तक। तो फिर मैंने कहा छोड़ो यार जो भी है, तो मैंने क्या किया, वो 6 मंथ्स की ये रीजनल डायरेक्टर में MCA में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यहाँ से मुझे कॉल आया, उन्होंने बोला दैट वी हैव सेलेक्टेड योर प्रोफाइल एंड इफ़ यू वांट टू जॉइन इस दिन आप आ जाइए, इंटरव्यू होगा, जॉइंट डायरेक्टर एंड ऑल आपका इंटरव्यू लेंगे। तो इंटरव्यू वगैरह हुआ, फिर मैं सोच रही थी क्या करूँ, या 20,000 रुपये में क्या ही होगा। फिर मैंने ये भी सोचा कि अभी नेक्स्ट CLDP का बैच कम से कम 3-4 महीने नहीं है, जैसे ही वो सब हो जाएगा, फाइनल फॉर्मेलिटीज़ हो जाएंगी, तब मैं इसको टर्मिनेट कर दूँगी 6 मंथ्स वाले कॉन्ट्रैक्ट को और अपना जॉब लेके चली जाऊँगी। लेकिन CLDP के बाद भी इतने बवाल होते हैं, इतना टाइम लग जाता है आपको मेंबरशिप मिलने में, एक कम से कम 15 दिन और लग जाते हैं उसके बाद, ठीक है। तो वो सब होते होते मेरे पूरे 6 मंथ्स यूटिलाइज हो गए, एंड मेरी 6 मंथ्स की ट्रेनिंग ख़त्म होने से 1-2 दिन पहले ही मुझे जो है फाइनली मेंबरशिप नंबर मिल गया, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो भाई फाइनली हो गया। लेकिन जब ये मेरी 6 मंथ्स की ट्रेनिंग का जो लास्ट मंथ चल रहा था, तभी मैंने इंटरव्यूज़ देने स्टार्ट कर दिए थे, एंड वहाँ पे मैं बता भी दिया था कि मेरे मेंबरशिप नंबर बस पेंडिंग है, इट्स इन प्रोग्रेस, वो आ जाएगा 1-2 वीक्स में। तो ऐसे फिर मेरी हायरिंग भी हो गई थी एक जगह पे, जहाँ पे मैंने अभी ज्वाइन किया। सो या फ्रेशर CS के होने के साथ साथ ट्रेनिंग वाला एक्सपीरियंस तो कोई काउंट करता नहीं है, लेकिन मैंने जो है वो जो 6 मंथ्स RD में काम किया वो एक एडिशनल एक्सपीरियंस है मेरा।
क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद का एक्सपीरियंस है वो मेरा, ठीक है। तो मैं फुल्ली वो नहीं बोल सकते कि फ्रेशर हूँ, 6 मंथ्स का एडिशनल एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो आई एम गेटिंग 8 लाख पर एनम। एक्चुअली मैंने कम से कम जितने भी इंटरव्यूज दिए, तुम लोग एक कॉमन बात बताती हूँ, पैसे देने को कोई तैयार ही नहीं है। इतने कंजूस हैं या फिर कंपनी वाले या फिर आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, पैसे देना नहीं चाहते बट लेकिन काम पूरा कराएंगे। एंड दे वांट कि आपका ACS नंबर हमें यूज़ करना है। मुझे तो कम से कम कितने लोगों ने बोला कि आपका बस नंबर मिल जाएगा ना तो बहुत सही रहेगा। एंड आई वॉज लाइक प्लीज़ ये सब फालतू के बातें मेरे से करना भी मत। ये इसको बोलते हैं, एक्चुअली इसको बोलते हैं डमी कंपनी सेक्रेटरी। आपको आपका नंबर ले लेंगे, आपको कहेंगे आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस मंथली 10-15 हज़ार रुपये फ्री में मिल जाएंगे, आपको करना कुछ नहीं, हम बस आपका नंबर यूज़ करेंगे और सारे फ्रॉडुलेंट काम करके तुम लोग का नाम इसमें नंबर में फंसा देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, तो कभी इन सब चक्करों में मत पड़ना। तो फिर मैंने एक्चुअली एक लिस्टेड कंपनी भी थी, वहाँ से भी मुझे ऑफ़र आया एंड वो लोग भी 60,000 इन हैंड दे रहे थे मंथली, ठीक है। एंड प्रॉब्लम वहाँ पे, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। अब इसके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा बिकॉज ये बहुत ही अजीब सा केस था, एक लिस्टेड कंपनी ऐसा कर सकती है, मैंने सोचा नहीं था। बिकॉज आई वॉज रियली शॉक्ड कि इंटरव्यू में ऐसे कैसे आ रहे लोग मुझे, मतलब मुझे लिस्टेड कंपनी में काम करने का ज़ीरो एक्सपीरियंस है, मुझे ब्लाइंडली कैसे वो लोग एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा इंटरव्यू में, बस उन्हें देवर लाइक ओके कल से आ जाओ 60,000 पर मंथ ले लो। एंड आई वॉज सो शॉक्ड, ऐसे कैसे बोल सकते हो यार। तो इसका डिटेल में बाद में किसी और वीडियो में बताऊँगी बिकॉज ये बहुत बड़ा स्कैम एंड फ्रॉड होता है। एंड एक्चुअली ये जेन्युइन कंपनी थी, मैं इसके हेड ऑफिस में ही गई थी एंड इसके डायरेक्टर्स चेयरमैन सबसे मिली हूँ, VC के थ्रू भी मिली हूँ, फिजिकली भी मिली हूँ। वैसे फ्रॉड और स्कैम की मैं बात नहीं कर रही हूँ, फ्रॉड और स्कैम इस तरह से बोल रही हूँ कि इट वॉज लाइक कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है कंपनी की, बट दे डोंट वांट यू टू नो एंड वो चाहते हैं कि आप एक CS बन के आ जाओ एंड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जो एक अननोन पर्सन है जिसको कुछ पता ही नहीं उसके ऊपर आ जाए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये लोग बच के निकल जाएं। तो इन सब चक्करों में मुझे वो ठीक नहीं लगा। ऑब्वियसली मेरे, मतलब मैं थोड़े टाइम के लिए आई वॉज ब्लाइंडेड, मुझे ऐसा लगा कि वाह लिस्टेड कंपनी मिल रही है बहुत बढ़िया। एंड आई वॉज लाइक कि अरे वाह मेरे को 60,000 भी मिल रहा है इन हैंड, सही है यार। मतलब बिकॉज बाकी सारी कंपनीज ना कोई 40,000 दे रहा है इन हैंड, कोई 50 तक नहीं दे रहा था कोई, आई मीन दे आर सो चीप, आई डोंट नो वाई। वो भी ऐसे बड़े मेट्रो सिटीज़ का ये हाल है, तो छोटे शहरों में तो 20-30 हज़ार से ज़्यादा देते ही नहीं होंगे यार, आई मीन इट्स पथेटिक। सो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। तो मैंने तो कहा कि फ़ाइन यार, लेकिन ये लिस्टेड कंपनी को मैंने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं लूँगी। फिर एक प्राइवेट कंपनी वाले का भी मेरे पास ऑफर था, तो मैंने प्राइवेट कंपनी को हाँ बोल दिया था टेम्परेरली। फिर मेरा ये था कि यार प्राइवेट कंपनी में ज़्यादा काम तो होता नहीं है, कहीं मेरा टाइम ना वेस्ट हो जाए वहाँ पर जाके। और वो लोग सिर्फ 50,000 इन हैंड दे रहे थे, 50,000 इन हैंड। तो मैंने सोचा कि यार अब मैं क्या ही करूं। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ही मेंबरशिप नंबर आता है ना, बहुत ये लगता है कि अरे यार तुरंत जॉब ज्वाइन कर लेते हैं सही रहेगा। तो मेरा भी यही था कि मुझे वेट नहीं करना था, तो मैंने क्या किया, जैसे ही जैसे मुझे अप्रैल 30 को अगर मुझे मिल गया है मेंबरशिप नंबर, तो मैंने क्या किया, एक मंथ का ब्रेक लिया। बिकॉज मैं 6 महीने से नॉनस्टॉप काम कर रही थी RD के ऑफिस में, 1 महीने का मैंने ब्रेक लिया, मैं मस्त घर गई, रिलैक्स किया। इस 1 मंथ में मेरे पास जो भी ऑफर्स आए हुए थे कंपनीज के, एक ये लिस्टेड कंपनी का ऑफर आया हुआ था, एक ये प्राइवेट कंपनी का ऑफर आया हुआ था और एक पब्लिक कंपनी का ऑफर है जिसमें मैं अभी करेंटली काम कर रही हूँ, इसमें मैं काम कर रही हूँ अभी। तो मैंने आराम से 1 महीने का टाइम लिया, मैंने इन लोग को बोल दिया मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग नेक्स्ट मंथ का ये है, मैंने बोल दिया मैं आराम से अपना टाइम लूँगी और फिर सोचूंगी कि मुझे क्या करना है। एंड मैंने घर पे जाके रिलैक्स किया, सोचा एंड फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि ये जो दूसरी पब्लिक कंपनी है जो कि एसोसिएट है एक लिस्टेड कंपनी की, दे आर ऑफरिंग 60,000 इन हैंड और मेरे पास इससे बेटर अभी फ़िलहाल के लिए कोई ऑफ़र है नहीं, तो मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगी, ऐसा करती हूँ कि मैं अभी के लिए ज्वाइन कर लेती हूँ और काम सीखना स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि इस कंपनी में क्या है, अब DIR 12 जो है मेरे नाम पे फाइल हुआ है, आई एम द कंपनी सेक्रेटरी। यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई ऑलरेडी कंपनी सेक्रेटरी हो मैं उसको असिस्ट कर रही हूँ, नो आई एम द कंपनी सेक्रेटरी। CFO इज़ माई बॉस, मतलब CFO और मैं दिन भर मुझे उन्हीं के साथ बैठ के काम करना होता है, कोई भी उनको डाउट्स होते हैं। आज भी CFO ने मुझसे डाउट्स पूछे एंड 1-2 मिनट के लिए आई वॉज ब्लैंक, मुझे फिर उसके बाद ऐसा लगा कि अरे यार इतनी पढ़ाई तो करी है मैंने, मैं ब्लैंक कैसे हो सकती हूँ, मेरे को आता है यार, ब्लैंक कैसे हो गई मैं। तो
अब फिर मुझे तब ये रियलाइज़ हुआ कि हम लोग जो ट्रेनिंग में होते हैं या पढ़ाई करते हैं इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं यार, हमें सब तो आता है यार, सीधे जॉब दो यार हमें। लेकिन ऐसा नहीं है, जब रियल लाइफ में आप आओगे ना, रियल प्रैक्टिकल सिचुएशंस फेस करोगे, जब एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे कम से कम 8, और वो ऐसे लोग होते हैं, देयर 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस्ड पीपल, वो ऐसी बिजनेस लैंग्वेज बोलेंगे कि आपने हो सकता है वो अपनी ट्रेनिंग पीरियड में ना सुनी हो। बिकॉज अब जब तुम यहाँ काम करने आओगे तो यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी, ये लोग को लगेगा तुमको तो सब पता ही है, तुम एक एक्सपीरियंस्ड और वो हो, क्या बोलते हैं, चलो फ्रेशर ही हो, लेकिन तुम्हें एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज है, तभी तुमने वो मेंबरशिप नंबर हासिल किया। तो ये लोग यही सोचेंगे, एंड यही सोच के ये लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन जेन्युइनली पूछते हैं क्योंकि उन्हें डाउट होता है। एंड आई वॉज लाइक ब्लैंक टूडे, बट अच्छा हुआ सिर्फ CFO ही थे। अभी उन्होंने मुझे कैपिटल रिडक्शन से रिलेटेड कुछ कहा है कि इससे रिलेटेड हमें काम करना है, तो मैंने आज ही से ऑफिस से मैं घर आई हूँ एंड मैंने कंपनी लॉ का बेरा खोल लिया है कि मुझे कैपिटल रिडक्शन के लिए प्रिपेयर्ड होकर जाना है, बिकॉज वहाँ पर अब जो 21st को हमारी एक बोर्ड मीटिंग है उसमें मुझे अपना पोपट नहीं कराना। आई मीन ऐसा लगना चाहिए यार कि मुझे कुछ आता है, बिकॉज आता है मुझे, नो डाउट, बट कैपिटल रिडक्शन इज समथिंग जो हमने सिर्फ पढ़ा है, हमने उसे प्रैक्टिकली नहीं किया। मैं RD के ऑफिस में थी तो वहाँ कैपिटल रिडक्शन के एप्लीकेशंस आते थे, बिकॉज ट्रिब्यूनल का भी अप्रूवल चाहिए होता है वहाँ पे, और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी रीजनल डायरेक्टर की भी रिपोर्ट जाती है एंड ऑल दैट। तो ठीक है, लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या करना होता है एंड ऑल दैट, तो वो सब एक पहले से अगर मैं प्रिपेयर्ड रहूँगी ना, तो अगर मुझसे कोई भी सवाल पूछेंगे डायरेक्टर्स कि क्या हम ये कर सकते हैं, क्या हम ये कर सकते हैं, तो मैं एटलीस्ट बोल पाऊँगी, उन्हें भी ऐसा फील होगा कि यार हाँ, इस कैंडिडेट में दम है, इस कैंडिडेट को आता है, हमने सही कैंडिडेट को चूज़ किया, और अगर हम इसको 60 दे रहे हैं, हमें इस कैंडिडेट को रिटेन करना है, नेक्स्ट ईयर ही कैंडिडेट बेटर ऑफर लेके कहीं और ना चला जाए, इससे अच्छा हम ही इसको 80 देंगे, अब हम 80,000 इन हैंड देंगे। तो ऐसे करके आपको अपने आप को प्रूव करना होगा, अपनी स्किल्स को प्रूव करना होगा। ये जो डायरेक्टर्स हैं, इंटरव्यू में भले ही आप इनको इम्प्रेस कर दो, लेकिन प्रैक्टिकली जब चीज़ें आएंगी ना, तो तब वही जो बोलते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी टाइप्स हो जाता है। तो या दैट्स इट, दो ही क्वेश्चंस थे, एंड अभी और भी अगर कोई डाउट्स वगैरह हो तो पूछ लेना, जब टाइम होगा आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो। सो